तू कली ने गोरी पागल करते सारे जदों तू नचदी नचदे सूरज चंदा तारे यू लुक लाइक ओ यू डांस लाइक आ यू लुक लाइक ओ और दिखा तू तुझे मेरा वाला डांस यह मेरा वाला डांस तो नाचू तुम्हारे पास कोई सस्ती अभी कोई सड़ेली सी कोई जींस है क्या? सस्ती जींस? हाँ। हेलो भाई, ये पूरे 2000 रुपए की और सबसे सस्ती जींस। नहीं नहीं, इससे भी कोई सस्ती? क्या? इससे भी सस्ती चाहिए? हाँ। अरे यार, ये लो, ये 1000 रुपए। इससे भी कोई सस्ती है क्या? अरे क्या आदमी हो दादा, ये लो, ये पूरे 200 रुपए की, अब इससे सस्ती तो नहीं है। इसको पैक कर दो। पर दादा तुम तो अच्छे खासे घर के लग रहे हो। हाँ। इतनी सस्ती जींस किसके लिए ले रहे हो? मेरे ससुर के लिए। अरे कैसे घटिया आदमी हो यार, ससुर के लिए कोई इतनी सड़ेली जींस लेता है? आ तो उसने कौन से मुझे ओरिजिनल दिए, चल पैक कर। अरे अंकल प्लीज मान जाओ यार। क्या हो गया भाई? भाई लड़की तो शादी के लिए मान गई पर उसका बाप नहीं मान रहा यार। बाप नहीं मान रहा, बात करा मेरी। क्यों बे, पहचान नहीं रहा क्या? अबे मोहल्ले का नामचीन गुंडा हूँ मैं। हाँ तेरी बेटी को घर से उठा लेंगे, बेटा याद रखना मेरी बात, ठीक है? ले। और क्या बात है भाई, लड़की पटा ली। वैसे लड़की है कौन? भाई तेरी बहन। बरखा से बचा लूं तुझे, सीने से लगा लूं, आ छुपा लूं, आ छुपा लूं। बच्चा है, बड़े होके क्या करेगा? शादी? नहीं नहीं, मेरा मतलब है क्या बनोगे? दूल्हा। मेरा मतलब है बड़े होके क्या हासिल करोगे? दुल्हन। अरे बड़े होके अपने मम्मी पापा के लिए क्या करोगे? बहू लाऊंगा। अरे नालायक, तुम्हारे पापा तुमसे क्या चाहते हैं? पोता। हे भगवान, तेरी जिंदगी का क्या मकसद है? हम दो, हमारे दो। चलो मेरे लिए गाना सुनाओ। मिली हो तुम मुझको बुरे नसीबों से, फंसाया है मुझको अच्छी तस्वीरों से। Yeah. I got supplies. Check. Something लड़का अमेरिका गया, उसको जॉब नहीं मिली तो उसने क्लिनिक खोला और बाहर लिखा 300 रुपए में इलाज कराएं, इलाज नहीं हुआ तो 1000 रुपए वापस। एक अमेरिकन ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है 1000 रुपए कमाने का, तो वो क्लिनिक पर गया और बोला मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता। इंडियन लड़का बोला बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। नर्स ने पिला दी। अमेरिकन बोला ये तो पेट्रोल है। इंडियन बोला मुबारक हो, आपको टेस्ट महसूस हो गया, लाओ 300 रुपए। अमेरिकन को गुस्सा आ गया। कुछ दिन बाद वो फिर से गया पुराने पैसे वसूलने और बोला साहब मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। इंडियन बोला बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। अमेरिकन बोला लेकिन वो दवा तो जुबान के टेस्ट के लिए है। इंडियन बोला ये लो, तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ गई, निकालो 300 रुपए। इस बार अमेरिकन गुस्से में 3 दिन बाद फिर गया और बोला मेरी नजर कमजोर हो गई है। इंडियन बोला इसकी दवा मेरे पास नहीं है, ये लो 1000 रुपए। अमेरिकन बोला ये तो 500 का नोट है। इंडियन लड़का बोला आ गई नजर, ला 300 रुपए। ओ मास्टर जी, मैंने सुना तुमने ज्योतिषी का भी कोर्स कर रखा है। What? बिल्कुल सही सुना तूने। तो मास्टर जी हमारा भी हाथ देख लो। ला ठीक है। Oh, no. इधर को आ जा। बट टोपे बट तेरे हाथ की लकीरों में तो बहुत धन छुप रहा है यार। Oh, no. बहुत धन है तो मास्टर जी इस धन को मैं अपने बैंक में कैसे ट्रांसफर करूं? आयो दिमाग। It's real. Destiny. You're my baby. Come on. Walk with me. ये सब कौन है? अरे ये सब तो मेरे फैंस हैं यार। क्यों खा रहे? मामा रात को हमारी बिजली क्यों काटी? बिजली मैंने कहा काटी?
पांडो म्यूजिक क्यों बंद कर रहे तेरा नाच है भैया बजा थोड़ी अरे मिलो ना तुम तो दिल घबराए मिलो तो आँच मेरे अपनी मुझे पता है तू किसका नौकर है किसके इशारे पे नाचता है तू ए दीदी पे मत जाना जीजू को मार क्यों रहे हो अरे आज मैं बैजी के पास गई थी बैजी ने कहा है कि इन्हें दवाई कूट कूट के देनी है हाँ। चलो मैं भी हेल्प करता हूँ हसीनाए हैं हम मगर ये दिल का तोहफा देने ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई ऐसे लहरा के तू रूबरू आ गई धड़कने बेताशा भाई हाँ सुना है अभी स्कूल जल्दी खुलने वाले हैं अरे यार क्यों टेंशन ले रहा है स्कूल खुलेंगे पहले ही दिन स्कूल जाके जोर से खांस देंगे फिर से दो महीने की छुट्टी हम भी पागल तुम भी पागल अरे भैया कैमरा बंद करो अरे भैया 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 कोई स्टार है क्या अरे नहीं है कोई सेलिब्रिटी है अरे नहीं है यार कुछ भी अरे कोई मॉडल होगा अरे कुछ भी नहीं है अरे आ जाओ अरे तो भैया इतनी सिक्योरिटी में क्यों ले आ रहे हो अरे चोर है साला बैठो मेरे बच्चे जो फ्यूचर में मेरी आईडी खोलेंगे तो कहेंगे क्या चीज थी यार मम्मी भी ओके बेबी अब मैं चलती हूँ अच्छा मुझे ये तो बता दीजिए मैं कॉल कब करूँ जब तुम चाहो ठीक है तो मैं सुबह 7 बजे कॉल करूंगा इतनी जल्दी तो ठीक है फिर 10 बजे कॉल करता हूँ तब तो मेरा कॉलेज होता है ओके फिर 2 बजे कॉल करता हूँ तब तो लंच टाइम होगा तो ठीक है 8 बजे कॉल करता हूँ यार तब मेरा फेवरेट टीवी सीरियल आएगा और फैमिली साथ में होगी तो फिर मैं कब कॉल करूँ जब तुम चाहो कब मम्मी डैडी मेरे तू पटाएगा लेके बैंड बाजा घर मेरे आएगा कब तक मुझे ऐसे ही घुमाएगा तू बात बढ़ा तो सही दिल दिया है जाऊं भी तुझे दूंगी दिल दिया है जाऊं भी तुझे दूंगी भैया जल्दी क्या हुआ क्या हुआ भैया अरे भैया हमारा आदमी बेहोश हो गया है हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई गाड़ी रोक ही नहीं रहा यार आप ले जाओ ना प्लीज हाँ हाँ भैया बिल्कुल 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 तो आ जा मरने से पहले तेरी कोई आखिरी इच्छा है हाँ मेरी एक इच्छा है बता जब मैं मर जाऊँ ना तो मेरी मैयत पे मेरी जो पड़ोसन है नेहा उसे ले आना सुना वो बहुत चिपक चिपक कर रोती है एक बार एक फोन बाथरूम में गिर गया पूछे क्यों क्यों क्योंकि उसमें बैलेंस नहीं था हो सकता ना कि ये फोन है जी और ये एक बैलेंस फोन है आज तो मौसम बढ़िया है खूब घूमूंगा स्पाइडरमैन बना है ये अंधा है इसको डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ कल ही अंधा हुआ चिड़िया ने मुंह दिया इसकी आँख में गाड़ी कैसे चला रहा है ये अंधा है तो मेरी गाड़ी मेरी मर्जी आप कौन मैं डायरेक्शन बता रहा था तो नहीं नहीं 500 रुपए लगेंगे गरीब कल ही अंधा हुआ है नया नया कहा 500 रुपए लगेंगे गाड़ी जमा कर देंगे वहाँ पे बता मतलब लेके मानोगे हाँ 500 रुपए लेंगे ही लेंगे ए संतोष पकड़ उसको ये ले लो फिर अभी लो साले 10 रुपए ये तो पार्ट टाइम अंधा है कभी कभी दिख जाता है अरे भाई इतना खुश क्यों है तू आज तेरे भाई के पास हिमांशु का मैसेज आया आई लव यू का फिर तूने क्या रिप्लाई किया मैंने लिखा नाइस इंग्लिश oh, उसके बाद उसकी डीपी नहीं दिखाई दे रही यार पापा मैं बाप बन गया हूं
नालायक कमीने निकल जा मेरे घर से। मार क्यों रहे हो? आप ही ने जो कहा था क्या, पहले कुछ बन जा फिर तेरी शादी कराऊंगा। निकल।